हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ इस टाइप की कमाल की 3D ओवरले क्रिएट करना। एंड आप लोग कैपविंग में कैसे इसे GIF में कन्वर्ट करोगे या फिर कैसे कन्वर्ट करके GIF में यूज़ करोगे आप लोग टर्निप में, वो सारा कुछ मैं बताने वाला हूँ। बस आप लोग एक लाइक टारगेट पूरा कर दो जो है 1000 का, एंड सब कुछ मैं आप लोग के सामने फेंक दूंगा यू एकदम ताश की पत्तों की तरह, ठीक है। तो फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। लेकिन एक और चीज़ गाइस, आज की जो हमारी फीचर चैनल है वो नहीं है, क्योंकि पता नहीं कमेंट पिकर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था जिसके कारण फीचर चैनल नहीं पिक कर पा रहा था। तो कोई बात नहीं यार, फटाफट से मैं वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में इधर आ जाना, एंड जो जो डिटेल्स आपको अपने ओवरले पे चाहिए ना, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं अपने गेमिंग चैनल का नेम ऐड कर सकता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एज ए एग्जाम्पल यहाँ पे जोनाथन लिखा हूँ। तो आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, अपने चैनल का नेम लिख लेना, और जो फॉन्ट वगैरह मैं यूज़ करने के लिए दूंगा ना, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में पैक में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके उधर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एंड एक और चीज़ आप लोग को लिखना है, अपना स्लोगन ऐड कर सकते हो यहाँ पे, कुछ भी, जोनाथन इज लाइव या सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ या जो भी है आप वहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे स्लोगन भी ऐड करने वाले हैं ओवरले पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ करने के बाद इसे आपको अल्ट्रा पे सेव करना है, और अब हम चलते हैं अपने PS टच एप्लीकेशन में। तो गाइस, यहाँ पे अपने PS टच एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, एंड 9020x1080 का एक ब्लैंक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। एंड आप लोग को कुछ भी नहीं बनाना है, सब कुछ बना बनाया मैं आप लोग को पहले से दूंगा। जस्ट आपको मेरे पैक को डाउनलोड करना है, एंड सारे पैक में चीज़ें हैं ना, उसे आपको एक एक करके इधर आपको ऐड करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सब कुछ मैं बना बनाया दूंगा। अगर आपको कलर चेंज करना है सभी चीज़ों का, तो वो भी मैं बताऊँगा आप लोग कि कैसे कलर चेंज कर सकते हो, और भी कलर में आप बना सकते हो। तो आप लोग उसका टेंशन नहीं लेना, बस आप अपने पैक में जो चीज़ें हैं वो आप इधर एक एक करके ऐड कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने टेक्स्ट को भी ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपने पिक्सल ऐप फोल्डर में जाना, एंड अपने टेक्स्ट को इधर ऐड कर लेना। देखो गाइस, ये थीम ऐसा है ना कि आप इसमें कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, बहुत ही कमाल का लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं कैरेक्टर दिया हूँ वही कैरेक्टर पर आप बनाओगे, आप अपने मनपसंद किसी भी कैरेक्टर से यूज़ करके ये बना सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे कि अपना यहाँ पे जोनाथन इज़ लाइव है ना, उसे हम यहाँ पे अलग कर लेंगे, एंड जो हमारा ये टेक्स्ट है उसे हम यहाँ पे बीच में कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने टेक्स्ट को इधर ऐड कर लेना है, और उसके बाद इसे अच्छे से प्लेस कर लेना है। अब इसमें थोड़ा बहुत एडिटिंग हम करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको पॉलीगन सेलेक्शन टूल यहाँ पर सेलेक्ट करना है, प्लस वाले मार्क पर आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक सेलेक्शन बनाएंगे हम 2-3 टेक्स्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओ पे बना लेता हूँ, एंड इधर TH पे भी बनाऊँगा, ठीक है। तो इधर हो गया हमारा इधर, और इधर आपको TH पे भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेलेक्शन क्रिएट कर लेना है। हाँ, मैं कर लेता हूँ फटाफट से। देखो इस तरीके से TH पे भी आप एक सेलेक्शन क्रिएट करना, एंड प्लस वाले आइकन पे जाना, लेयर फ्रॉम सेलेक्शन करना, और इसमें जाके क्लियर कर देना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओ और TH था ना, उस पर कलर हम अलग तरीके के कलर देंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट पिक्सल करके ग्रेडियंट पे जाना, एंड ब्लू कलर का आपको यहाँ पे एक ग्रेडियंट क्रिएट करना है, और उसे आपको यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक गाइस हमारा हो गया। यहाँ पे मैं अलग अच्छे तरीके से ऐड कर लेता हूँ ग्रेडियंट, एंड उसकी कोड भी आप देख सकते हो। ग्रेडियंट की जो कोड है, आप ये वाला ग्रेडियंट क्रिएट करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे करना भूल गया। हाँ, हो गया हमारा यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारा बाकी का वाइट टेक्स्ट है ना, उसमें भी हम यहाँ पे कलर फिल करेंगे। तो यहाँ पे सेलेक्ट पिक्सल करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड एक्सपेंड करना है आपको -3, ठीक है। एंड उसके बाद ग्रेडियंट पे जाना, वाइट एंड सिल्वर कलर का जो आपका ग्रेडियंट है ना, वो ग्रेडियंट आपको यहाँ पे ऐड करना है कुछ इस तरीके से। ये ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ओके कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो OTH है ना, और नहीं, सबसे पहले यहाँ पे हम इसमें ड्रॉप शेडो भी ऐड कर लेते हैं। आपको इसकी डिस्टेंस 5, 6, 7 अपने अकॉर्डिंग जो रखना चाहते हो उसे रख लेना, एंड कलर हम यहाँ पे ब्लू रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमारा हो गया। आपको जो भी कलर में बनाना है वो कलर यहाँ पे रखना, ठीक है। तो देख लो, अब यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। एंड अब ओके करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट है OTH, उसे जस्ट यहाँ पे ऊपर हम कर देते हैं। थोड़ा सा बाउंसिंग लगेगा टेक्स्ट, तो देखने में अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा गाइज हो गया। अब सब कुछ हमने क्रिएट कर लिया, बस जोनाथन इज़ लाइव यहाँ पे जो हमने स्लोगन ऐड करना है, आप कुछ भी लिख सकते हो यार, जो भी आपका मन करे अपना गेमिंग स्लोगन आपका होगा वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं एज ए एग्जांपल यहाँ पे लिखा था। तो इस तरीके से आपको इस वाले जो बॉक्स है ना, इस पर रख देना है। ये बॉक्स मैंने इसलिए ऐड कराया है, ये बॉक्स आपको मूव करते हुए दिखेगा, तो ये स्लोगन भी आपका मूव करेगा, तो इस बॉक्स के अंदर आपको एडजस्ट करना है, ठीक है।
इस तरीके से आप एडजस्ट कर लेना। एंड एक एक चीज़ को आपको PNG सेव करनी है। जैसे मैं यहाँ पे देखो, आपको सब चीज़ का PNG तो पैक में मिल ही जाएगा, तो वो सब आपको सेव नहीं करना है। जस्ट आप यहाँ पे अपने टेक्स्ट को सेव कर लेना, एक एक करके इसकी PNG को आपको सेव कर लेना, ठीक है। एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ अभी आ रहा होगा, घर में है, जॉइंट फैमिली है, थोड़ा सा आएगा आपको, बहुत लोग जुटे हुए हैं यहाँ पे, तो मैनेज कर लेना यार, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसे सेव कर लेंगे, एंड इसकी जो PNG है वो भी हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे JPEG में नहीं जाएंगे, PNG को करेंगे, एंड इसे हम सेव करके अब हम चलते हैं अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में। तो गाइज़ यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में इधर आ जाना है, एंड यहाँ पे आप एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले सकते हो 16:9 रेशियो का। उसमें आप एक ग्रीन स्क्रीन ऐड कर देना बैकग्राउंड का कलर जो होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बेस को इधर ऐड कर लेता हूँ। एक एक करके आप सभी चीज़ों को ऐड कर लेना जो आपने PSTest से अभी PNG में सेव किया था, या फिर आपको मेरे पैक से जो डाउनलोड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन स्क्रीन कर लिया, एंड एक एक जो आपने यहाँ पे डिज़ाइन ऐड करना है ना, उसमें एनिमेशन भी साथ में साथ देते रहना आपको। जैसे मैं यहाँ पे इन एनिमेशन इंटर स्लाइड राइट रखा हूँ और आउट एनिमेशन एग्जिट स्लाइड लेफ्ट रखा हूँ, तो ये चीज़ आप अच्छे से देखना। एंड सेम ऐसे ही आपको एक राइट साइड में भी डिज़ाइन देना है, तो उसमें भी आपको सेम अभी रखना होगा आपको एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटर स्लाइड लेफ्ट कर लेता हूँ, एंड आउट एनिमेशन इसकी इंटर स्लाइड राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ तक ये चीज़ हमारा हो गया। अब यहाँ पे सबसे मेन हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो सिंपली गाइस अपने आपको टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड कर लेना है, एंड इसमें आपको एनिमेशन देना है इंटर स्लाइड अप एंड डाउन एनिमेशन देना है, जो आउट एनिमेशन है उसमें आपको देना है एग्जिट स्लाइड डाउन, ठीक है। ये एनिमेशन एक एक सेकेंड का स्पीड आप देखते रहना। उसके बाद क्या करना है कि फिर से मीडिया में जाना है, एंड अपने यहाँ पे जो टेक्स्ट एक और था ना, उस पर भी आपको एनिमेशन देना है। तो इसमें जो इन एनिमेशन होगा ना, इंटर स्लाइड डाउन करना यहाँ पे ऊपर की तरफ से नीचे आएगा, एंड एग्जिट स्लाइड अप करना इसमें जो आउट एनिमेशन होगा, एंड जो इसकी स्पीड होगी ना वो 1.5 रखना दोनों। मैं यहाँ पे अभी देना भूल गया हूँ, लेकिन बाद में आपको बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ होने के बाद अब हम यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे, अपने जो सारे चीज़ हैं यहाँ पे जो हमने सेव किया था ना वो सब चीज़ ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम एक ग्रीन स्क्रीन सेव कर लेते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं सॉरी, ताकि जो हमारे टेक्स्ट ऊपर से आ रहा है ना वो आपको दिखे ना। तो इस तरीके से अपने बेस के ऊपर एक ग्रीन स्क्रीन ऐड कर लेना, एंड जो साइड साइड में डिज़ाइन चल रही है ना वो डिज़ाइन आपको ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है दोनों डिज़ाइन, ताकि वो ऊपर रहे और अच्छे से आपको विजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से हम अपने लेयर पे जाएंगे। यहाँ पे देख लो, प्ले करके मैं दिखा रहा हूँ कितना कमाल का लग रहा है। यहाँ पे लेयर पे जाएंगे और अपना जो सोशल बटन है ना उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और इसमें जो एनिमेशन देंगे हम स्केल राइट देंगे, स्लाइड राइट, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होगी वो 1.5 सेकंड रहेगा, एंड जो आउट एनिमेशन होगा वो स्लाइड लेफ्ट होगा, जिसकी एनिमेशन 1.5 सेकंड ही रहेगी। जो ऊपर वाला हम यहाँ पे सोशल इंस्टाग्राम हमारा जो होगा ना, यहाँ पे सबसे पहले आपको लास्ट तक अपने बेस के लास्ट तक अपने सभी लेयर को कर देना है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मीडिया में जाएंगे, और यहाँ पे जो हमने इंस्टाग्राम का जो सोशल बटन है ना उसे ऐड किया है, एंड उसमें जो स्लाइड राइट हम एनिमेशन देंगे ना वो 1 सेकंड का रहेगा। देख लेना एनिमेशन करते टाइम, बढ़िया से आप टाइमिंग का ध्यान रखना ताकि अच्छे से सब कुछ लगे। देखो मैं प्ले करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपने कैरेक्टर को ऐड करना है, जो भी कैरेक्टर होगा, मैं एक दो कैरेक्टर आपको दे दूँगा, जो भी कैरेक्टर होगा आप उसको ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जोनाथन का नेम से बनाया था, तो फॉरेस्ट एल्फ सेट लगाना तो यार लाजमी था, उनका जो ट्रेडमार्क मतलब है यार, ड्रेस है उनका, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट एल्फ सेट ही लगाया है, तो ये चीज़ आप इधर कर लेना। जो भी कैरेक्टर लगाना होगा आप उसे ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे सोशल बटन में जो हमारा टेक्स्ट जो नेम है ना वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है सिंपली, एंड इसमें इन एनिमेशन आउट एनिमेशन फेड रखना है, और जहाँ से आपका ये स्टार्ट होता है ना, क्या बोलते हैं, आपका जो सोशल बटन का जो आइकन है वहाँ से आपको अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करना है। जैसे देख लो मेरा टेक्स्ट प्लेसमेंट बीच में है, तो आप देख के ये सब अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों में अपने सस्टेक रख दिया है, मेरा जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब का जो नेम है वो मेरा सस्टेक है। तो आप मुझे अभी तक वहाँ फॉलो नहीं करते हो तो जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया पोस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक कर लेना है, और यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे ओवरले क्रिएट हो चुका है। बस यहाँ पे देख लो, एक इसमें एनिमेशन देना है जो हमारा स्लोगन था, जोनाथन इज़ लाइव। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में आपको इस तरीके से लेके जाना है, यहाँ पे देख लो, एंड यहाँ पे हम की ऐड करेंगे। फर्स्ट में एक की ऐड करेंगे और एक लास्ट में हम यहाँ पे की ऐड करेंगे, और की ऐड करने के बाद यहाँ पे देख लो कुछ इस तरीके से आपको ले जाके लास्ट में आपको लेके जाना है, ताकि अच्छे से यहाँ पे विजिबल हो,
हाँ ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देख लो कुछ इस तरीके से एनिमेशन होके आपको दिखेगा। ये अभी ऊपर से जा रहा है तो इसको आपको क्या करना है, सेंड टू बैक करना है, फिर आपको एक बार ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर देना है, वो जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्ले करके दिखाता हूँ तो देख लो कुछ इस टाइप से आपको स्लोगन देख लो मूव करते हुए दिखेगा। देख लो कितना कमाल का लगेगा जब आपका ओवरले गेम प्ले पे जब यूज़ होगा ना, और इस तरीके का बहुत ही मस्त लगेगा। ठीक है, और भी आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, और भी इफ़ेक्ट वगैरह आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, और अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर यहाँ पे ऐड करके आप दिखाना कि और क्या एक्स्ट्रा आप कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। एंड आज के वीडियो में बस इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।